आजकल जब मैं सवेरे उठता हूँ और पेपरों में पढ़ता हूँ या रात को टीवी में देखता हूँ, तो मुझको ये बातें बहुत अधिक पढ़ने को मिलती है कि फलाने कंपनी ने धोखा दिया, फलाने इंडिविजुअल ने धोखा दिया, या जिस कोर्स को जवान बच्चों ने किया उसमें उनको धोखा मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की पीढ़ी का, आज के जवान लोगों का सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो सत्य को कैसे पहचाने, क्योंकि चारों तरफ झूठ और फरेब का माहौल पाया जाता है। तो ऐसे में कुछ समझ में नहीं आता, विशेष करके युवा पीढ़ी को, कि वो कहाँ जाए, किस तरह से जाए और किस डायरेक्शन में उनका जीवन सही तरीके से सफल हो सके। कुछ लोग इन सब से थक करके धार्मिकता की तरफ जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर हम धार्मिक लोगों के पास जाएंगे तो शायद वो हमको सही रास्ता बताएंगे, लेकिन बाद में पता चलता है कि वही धार्मिक अगुवे उनको धोखा दिए, उनकी आस्था को धोखा दिया और उनके आस्थाओं को बिल्कुल धूमिल कर दिया। तब बेचारा एक जवान व्यक्ति इधर उधर भटकते हुए सोचता है कि वो क्या करे, क्या इस दुनिया में कोई सत्य है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ दिनों तक अपने जीवन में सत्य को वापरते भी हैं, चलाते भी हैं और उसके हिसाब से दावे भी करते हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक वो भी नहीं चल पाते क्योंकि चारों तरफ झूठ का वातावरण है। ऐसे में बाइबल हमको एक बात बताती है और वो हमको समझाती है कि इस संसार में झूठ का वातावरण इसलिए है क्योंकि एक ऐसी शक्ति है जो झूठ बोलती है और उसको शैतान कहा जाता है, और उसके बारे में लिखा है कि वो झूठ का पिता है, आरंभ से ही वो झूठ बोलता रहा है। कोई भी व्यक्ति यदि झूठ बोल करके या झूठ का सहारा लेके करता है तो इसका मतलब यह है कि वो झूठ का गुलाम हो चुका है, दास हो चुका है। बाइबल हमको ये भी बताती है कि जब कोई झूठ बोलता है या गलत काम करता है या पाप करता है तो पाप का दास है, और यदि कोई दास है तो उसको स्वतंत्र होने की ज़रूरत है। सो इसलिए आज सत्य लोग नहीं बोलते क्योंकि वह झूठ के गुलाम है, पाप के गुलाम है, पाप के दास्ता में। बाइबल हमको ये भी बताती है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बाइबल हमें यह भी बताती है कि ये सत्य कौन है। यीशु कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तो हमको यहाँ दो बातें देखने को मिलती है। एक बताई गई है कि यदि तुम सत्य को जानोगे तो स्वतंत्र हो जाओगे, तुम पाप के दासता से छूट जाओगे, और दूसरी तरफ यीशु बोलते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। आगे चल करके वो ये भी बोलते हैं कि यदि मैं तुमको स्वतंत्र करूँगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमको किसी व्यक्ति की धारणा या उसकी कोई फिलॉसफी या कोई उसका दर्शन स्वतंत्र नहीं कर सकता इस पाप की गुलामी से, इस झूठ की गुलामी से, इस फरेब की दुनिया से। सो हमको यदि कोई स्वतंत्र कर सकता है तो वो है यीशु मसीह, और यीशु मसीह ही हमको सही मायने में स्वतंत्र करता है। और युवा पीढ़ी की भी ये सबसे बड़ी उम्मीद और सबसे बड़ी आशा बन सकती है कि यदि वे यीशु को अपना स्वतंत्रता से छुटकारे का कारण बना लें और उससे के पास आए तो वो उनको स्वतंत्र कर देगा। तो क्या हम एक चांस नहीं ले सकते और एक कदम नहीं बढ़ा सकते कि हम यीशु को स्वीकार करें और उस सत्य को जानें और वो सत्य हमें स्वतंत्र करेगा, और जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तब हम फरेब की दुनिया में नहीं, झूठ की दुनिया में नहीं, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपना जीवन भी बिताएंगे और दूसरों को बताने के लिए भी हम मार्गदर्शन कर सकेंगे। आइए इस बड़े दिन को हम सार्थक बनाएं, उस सत्य को स्वीकार करें, उस यीशु को स्वीकार करें जो हमको पाप की गुलामी से स्वतंत्र कर सकता है, झूठ और फरेब की दुनिया से स्वतंत्र कर सकता है। आइए इस बड़े दिन को हम सार्थक बनाएं। आप सबको बड़ा दिन मुबारक हो।